एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। देखते देखते पता ही नहीं चला कब दिन गुजर गए और मेरी शादी भी हो गई। अब वो रात आ चुकी थी जो लाइफ में सिर्फ एक बार आती, मेरा मतलब ऑफिशियली, जिसका इंतज़ार हर मर्द हर औरत को होता है। मैं दुनिया का शायद पहला मर्द हूँगा जो अपनी ही सुहागरात से डरा हुआ था। जी, यहाँ अक्सर लाइट जाती है। जाती तो है, पर ठीक हो जाएगा कुछ दिन में सब कुछ। तुम्हें लग रहा होगा कि अपना घर छोड़ के किसी पराए घर में अजीब लग रहा होगा ना? असल में अजीब तो मुझे भी लगता है। सोची ना, एक ही महीना हुआ है आए हुए और उसी में नौकरी लग गई, शादी हो गई। बताइए, बड़े भैया बता रहे थे कि अच्छे अच्छे लोगों की 6-6 महीने तक नौकरी नहीं लगती यहाँ पे, और हमारी एक ही महीने में लग गई। ऐसे लगता है अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है। भैया श्याम भैया, मैं, हम लोग बहुत क्रिकेट खेला करते थे। बहुत बड़े बड़े मैदान है ना वहाँ पे, मुंबई की तरह नहीं, थोड़ा जगह का वहाँ है। श्याम भैया बहुत अच्छा खेलते हैं क्रिकेट, अजहरुद्दीन की तरह बैटिंग है उनकी, बिल्कुल बहुत धाकड़ मारते हैं। भैया तो पिंकी छोटी सी थी तभी मुंबई आ गए थे। श्याम भैया उनके 6 साल बाद आए होंगे। हाँ, 6 साल बाद मुंबई में उनकी शादी यहीं हुई, जैसे हम लोग की हुई। अम्मा बस रह गई हैं वहाँ पे। अम्मा को आ जाना चाहिए, भैया बहुत बुलाते भी हैं वहाँ। ऐसे लगता है कैसे रहेगी वो अकेले। माँ को भी बहुत बार बोला है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मानती नहीं जी। वो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सॉरी, मैं कितना बड़ा गधा हूँ तुम्हें। एक मिनट, एक मिनट। ये पहन लो, तुम्हारे लिए लाया था, हल्का है। इसमें बहुत गर्मी लग रही होगी ना? बाथरूम उधर। मैं चलूं? नहीं।
चाय बना रही हो? जी। रात कैसी कटी? हाँ अच्छा, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम्हारा कोई कपड़ा है तो दे दो, धो दूंगी। नहीं, मुझे लगा कि चादर गंदी हो गई होगी, है ना? अब पार्टी दो। ठीक। अरे भाई, गुड मॉर्निंग। महफिल को जमी हुई है? कुछ नहीं सर, बस इससे ये पूछ रहे हैं कि इसकी सुहागरात कैसी रही। अरे हाँ मोहन, कैसी रही सुहागरात? कहीं मेरे नाम पर बटा तो नहीं लगा दिया? नहीं नहीं सर। नहीं? अरे देख, कोई गड़बड़ है तो बता दे। सही कहता हूँ, एक से एक बड़ा नुस्खा है मेरे पास, ऐसे ऐसे केसेस भी संभाले कि नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप तो अगले दिन ही काम पे आ गया, आज नहीं आना चाहिए था तुझे। तू एक काम कर, हाफ डे दे और निकल। नहीं नहीं सर, मैं निपटा लूंगा तेरा काम, चल निकल, चल चल। नहीं नहीं सर, मुझे अरे जाओ, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, बीवी घर पे इंतजार कर रही है, पता है? तुम पेट पे लात मार रहे हो, मुझे फाइल्स देनी है, ऐसे मत करो। अरे कढ़ाई गरम है, ठंडा हो जाएगा, जाओ जाओ। नहीं 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 नहीं, ठीक है, चलो लेट्स गेट बैक टू वर्क गाइस, काम बहुत है। अरे आजा, मेरी फाइल लेके आना जरा केबिन के अंदर। क्या हुआ वो तो बता चाची। फ्रिज में सामान रख देना जितना भी है सारा, ताकि अच्छे से ठंडा रहेगा सामान, है ना? भाभी, इस प्रॉब्लम का कभी कुछ होगा कि नहीं? हाँ, ओ। कहाँ है बाकी सब? सब छत पर है, भैया भी बस आ ही रहे। चाची देखो, चाचा है, चाचा। मम्मी मम्मी, चाची ने आपको टेरेस में बुलाया है। अच्छा तो तुम चलो, हम आते, जाओ जाओ, चले छत पर, चली चलो, हम आते ठीक है। चलो मोहन, भैया आए तो जरा उनको छत पर भेज देना। चलो चलो। दो मिनट। अरे मोहन, आजा तेल लगवा ले। आप लगाइए। गुड मॉर्निंग सर। हग रहा था साथ में? हाँ नहीं, मतलब आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, आप कुछ भी करें, मैं पेशाब भी ना करूं? नहीं, करे करे क्यों नहीं, पेशाब तो कर ही सकते हैं, सब करते हैं। बेशर्मी की हद होती है सैम भाई, जिसे जिसे देखो जहां मन करता है शुरू हो जाता है। आप ऐसे लगता है यहाँ मुंबई में चुम्मा चाटी का मेला लगा। अरे सरे, हम ये सब करना शोभा थोड़ी देता है। तूने वो कहावत नहीं सुनी है? अब कौन सी कहावत? सुन, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। ये मुंबई है मेरे दोस्त, यह किस्मत वालों को भी मकान नहीं मिलता। वाह। <रुको। coughs> चुप, भैया सुन गई।
श्याम, श्याम बेटा, रुको, हम मोहन को बुलाते हैं। क्या है? मोहन जी, भाभी जरा यहाँ आओगे? जी आया जी। भाभी अरे बेटा, मोहन जरा इनकी नस चढ़ गई है। हाँ, हाँ दिखाइए ना। शाम को बुला रहे थे, शायद सो गया। कोई बात नहीं, कहाँ? धीरे से, आराम से। आप बताइएगा कहाँ दर्द हो रहा है। बस रिलैक्स कीजिए, बस मिल रहा है, आराम मिल रहा है। अरे वो ऑफिस की लिफ्ट खराब थी ना, 6 फ्लोर चढ़ के गए तो। अच्छा जा बेटा, सो जाओ, जा जा। हाँ, सो जा। मुझ आ गई थी। हेलो। हाँ शुक्ला जी, बोलिए। नहीं ठीक है, बताइए बताइए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात, बोलिए। क्यों, आज ही दिए? शुक्ला जी, आज ही मुझे सैम भाई ने 3 फाइल दी हैं, मैंने तीनों फॉरवर्ड करी। रीटा से पूछ लीजिए। चलिए कोई बात नहीं। नहीं तो कल मैं सैम भाई और आप मिलके फिर तुलानी जी से बात करेंगे। ठीक ठीक है, चलिए। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।